Good afternoon, dear students. How are you? I hope you will be fine. स्टडी कैसे चल रही है आपकी? प्रॉपर वीडियो को विजिबल कीजिए, अपने अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। अपनी जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लासों में अपन ने देखा है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, डिवाइडेशन, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, और उनका एक समरी में शॉर्ट रूप में बेटा उनको एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, उनके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स। यहां तक बेटा स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन, उसके डिवाइडेशन में, उसके टाइप्स में, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताते रहे। आज का अपना टॉपिक रहेगा, एक क्वेश्चन में उसको अपने कन्वर्ट किया है कि रिसोर्सेज के एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन मीन्स होता है दोहन, शोषण, या अपन उसको कहें मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के दुरुपयोग से विश्व के सामने, भारत के सामने, या पर्टिकुलर किसी स्टेट्स के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को बेटा अपने को देखना है कि विश्व के सामने संसाधनों के एक्सप्लोटेशन, उनके दोहन, उनके शोषण या उनके मिसयूज से, दुरुपयोग के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में फेस की जा रही है, उन चीजों को अपने को देखनी बेटा। और उन प्रॉब्लम्स में फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन मैंने बनाया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के दोहन से, संसाधनों के शोषण से विश्व के सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विश्व को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी में बेटा आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, रिच और पुअर, टू सेगमेंट्स रिच और पुअर, संसाधनों के अंधाधुंध बेहिसाब बेटा मिसयूज के कारण पूरे विश्व में सामान्य रूप से समाज दो वर्गों में डिवाइड हो गया, सोसाइटी डिवाइड हो गई टू सेक्शंस में, एक रिच पर्सन और एक बेटा पुअर पर्सन, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति। जिन लोगों के पास संसाधन हैं वो बेटा रिच पर्सन में आएंगे, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, पुअर पर्सन में आएंगे, गरीब लोगों में। और यह समाज की असमानता जो है, समाज में जो व्याप्त असमानता है, इसी की वजह से अगर आप हिस्ट्री को देखोगे, फ्रांसीसी क्रांति जो अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब अपन स्टडी करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस के 10% जो पर्सन थे, 10% पॉपुलेशन के पास
फ्रेंच के 90% रिसोर्सेस थे और 90% पॉपुलेशन अपना जीवन जीती थी ओनली 10% रिसोर्सेस पे। रिजल्ट क्या होगा? एक रेगुलेशन विश्व के सामने ही एक क्रांति हुई, समाज में बहुत से परिवर्तन हुए। वो चीजें अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ध्यान देंगे, लेकिन ध्यान रखना मेन चीज ये है कि जब भी समाज में असमानताएं और विषमताएं होती हैं तो अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता चला जाता है, रिच पर्सन है वो और ज्यादा रिच होता है, रिचेस्ट होता चला जाता है, और जो पुअर है बेटा वो और नीचे चला जाएगा और उसकी कंडीशन नीचे आएगी, गरीबों में भी गरीबी वाली स्थिति आ जाएगी। इसको अपन दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, सिंपल सी एक लैंग्वेज में इसको कहें तो रिसोर्सेस हैव और रिसोर्सेस नॉट। ऐसे व्यक्ति जिनके पास संसाधन है और ऐसे व्यक्ति बेटा जिनके पास संसाधन नहीं है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में आता है आपके ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स होता है वैश्विक, ऐसी कोई भी चीज जो पूरे विश्व को इफेक्ट करती है ग्लोबल कहलाती है। समझ रहे हो ना? वैश्विक जो पूरे विश्व को इफेक्ट करती है, पूरे विश्व को प्रभावित करती है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, वैश्विक भौगोलिक या जैविक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, ऐसी समस्याएं बेटा जो संसाधनों के बहुत ज्यादा यूजेस के कारण आज हमारे सामने है, इकोलॉजिकल में आती हैं। पहली आती है बेटा ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में कहेंगे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन। पूरे पृथ्वी पे बेटा पूरे विश्व का एक एवरेज टेम्परेचर होता है जिसे विश्व का औसत तापमान हम कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व का औसत तापमान बढ़ रहा है, विश्व का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके रिजल्ट में बेटा ग्लेशियर्स की जो बर्फ है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं और सी लेवल समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से तब विश्व के बहुत से ऐसे देश जैसे अपना मुंबई है, ठीक है, जो समुद्रों के तट पर हैं, इनके डूबने का खतरा बना रहेगा, बाढ़ आएगी, इकोलॉजिकल जो सिस्टम बेटा वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बहुत सी स्पाइसेस प्रजातियां खत्म हो जाएंगी जो केवल ग्लेशियर्स में रहती हैं, वो बेटा फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। तो पहली प्रॉब्लम आती है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। सिंपल भाषा में अगर अपन कहें कि इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। सेकेंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। आपने अपने आसपास के गांव में रोड के साथ ऐसे किसानों को देखा होगा जो फल सब्जियों की खेती करते हैं, स्पेशली जब आपके बेटा शीत ऋतु होती है, सर्दी का समय होता है, विंटर सीजन जब होता है, तो किसान अपनी छोटी फसलों को बचाने के लिए प्लास्टिक की लेयर से कवर कर देता है। बेटा वो जो लेयर होती है प्लास्टिक की जो लेयर होती है उसका एक इफेक्ट होता है कि वह सन रेज जो होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, जो आपके सन हीट होती है, सूर्य का जो ताप होता है, उससे अंदर तो आने देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती,
जिसकी वजह से सर्दियों में आपकी फसलें खराब नहीं होती। सेम वे में यदि अपन देखें, अगर आप एटमोस्फेयर को देखते हो, अगर आप वायुमंडल को देखते हो, तो वायुमंडल में कुछ गैसें भारी होती हैं और कुछ गैसें हल्की होती हैं। जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। ये सभी भारी गैसें होती हैं और सूर्य से आने वाले तापमान को पृथ्वी तक तो आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी जब बेटा वापस उस तापमान को स्पेस में भेजती है, अंतरिक्ष में भेजती है, तो उसे वापस नहीं जाने देती। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। सूर्य से आने वाली किरणें, मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है बेटा। सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक तो पहुंचने देती है, लेकिन पृथ्वी जब वापस रिटर्न करती है स्पेस की तरफ, तो उसे बेटा नहीं जाने देते। यह प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। थर्ड बेटा, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत का क्षय या क्षरण, कमजोर होना। ओजोन बेटा एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरणें होती हैं, जो हानिकारक वेज होती हैं, उनका अवशोषण करती है, उन्हें एटमॉस्फेयर में सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। जब आप बेटा ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, इसकी परत कमजोर हो रही है, विशेषकर बेटा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पे एक बहुत बड़ा गैप बन गया है, जिसकी वजह से सनरेज जो प्रबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट अर्थ तक पहुंच रही है। उसी का रिजल्ट है कि ऑस्ट्रेलिया का 80% स्किन जो कैंसर है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का 80% स्किन कैंसर बेटा ग्लोबल सॉरी ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से, ओजोन परत के क्षय की वजह से। फोर्थ बेटा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फोर्थ बेटा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। स्पेशली अपन अगर देखें बेटा हवा, पानी, ध्वनि, ये जो प्रदूषण है, इन प्रदूषणों की वजह से बेटा मानव, पशु पक्षी, चाहे वो जलीय जीव हो, चाहे स्थलीय जीव हो, कोई भी आपके स्पाइसेस हो बेटा, चाहे वो बर्ड्स में हो, एनिमल्स में हो, फ्लोरा एंड फोना में हो, सभी पे इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के। रिजल्ट क्या बेटा? बहुत सी स्पाइसेस या तो खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने के कगार पर है, या उनकी संख्या बहुत सीमित बची हुई है। एनी प्रॉब्लम बेटा? रिपीट करता हूं बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स रिच और पूर। समाज का बेटा दो भागों में विभाजन हो गया, एक अमीर और एक गरीब। ऐसे व्यक्ति जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास संसाधन हैं, वो रिच पर्सन में आते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, पुअर पर्सन में आते हैं, गरीब व्यक्ति में आते हैं। सेकंड बेटा ग्लोबल इकोलॉजिकल रिसर्च, वैश्विक पर्यावरणीय या जैविक तंत्र की समस्या है। नंबर वन ग्लोबल वार्मिंग, नंबर टू बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट, नंबर थ्री ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षय होना, ओजोन परत का कमजोर होना, ओजोन परत में छिद्र होना।
और लास्ट है बेटा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दैट्स क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स। अब आपको बेटा दो चीजें समझाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो स्टूडेंट्स लिख नहीं पाए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया बेटा, जिन स्टूडेंट्स ने अपने वीडियो को विजुअल नहीं किया है अपने वीडियो को विजुअल कीजिए बेटा। शॉर्टली समझाता हूं आपको, सन और आर्थ समझ गया था? और बीच में है आपके एटमॉस्फेयर। वायुमंडल ध्यान रखना, सूर्य से आने वाली जो लाइट होती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, वो शॉर्ट किरणें होती हैं, लघु तरंगे होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं। सूर्य से जो किरणें आती हैं बेटा शॉर्ट वेव्स होती हैं। इसीलिए ये इजी वे में अपने एटमॉस्फेयर या वायुमंडल को क्रॉस करके और पृथ्वी तक पहुंचती है। लेकिन लगभग बेटा 12 बजे के बाद जब पृथ्वी खुद हीटेड हो जाती है, खुद गर्म हो जाती है, तो वापस अपना पार्थिव विकिरण करती है। सूर्य खुद पृथ्वी खुद अपनी उष्मा को वापस स्पेस में भेजना स्टार्ट करती है। यहां तक समझा बेटा? सूर्य से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? लघु तरंगे होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं। इसीलिए इजी वे में आसानी से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। जैसे आपने कभी महसूस किया हो कि दीवार में अपने कील डाले आराम से चली जाए बेटा, लेकिन अगर आप एक लोहे का सरिया लें और उसे दीवार में डालने की कोशिश करें कि भाई अपने को इसको दीवार के अंदर डालना है, इम्पॉसिबल होता है। सेम मेथड है ना, यहां से शॉर्ट वेव में आ गए, इसीलिए वायुमंडल एटमोस्फेयर को क्रॉस करके पृथ्वी तक पहुंच रही है। लेकिन पृथ्वी जब रिटर्न करती है तो बेटा इसका साइज बदल जाता है, शॉर्ट वेव्स कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग वेव्स में। शॉर्ट वेव्स किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? लॉन्ग वेव्स में, दीर्घ तरंगों में कन्वर्ट हो जाती है। और रिजल्ट होता है कि ये तरंगे वायुमंडल को पार करके स्पेस में नहीं जा सकती। इसके रिजल्ट से बेटा, इसके परिणाम से पृथ्वी का तापमान घटेगा बेटा, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, लेकिन वापस नहीं जा पा रही। इसके रिजल्ट में बेटा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है वो कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो टोटल प्रोसेस है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आना, पृथ्वी का हीट होना, वापस उसे रिटर्न करना, ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। दोनों चीजें समझ में आ गई बेटा? क्लियर है एवरीवन? फिर
रिपीट करता हूं बेटा, प्रोसेस क्या है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिजल्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, पूरी प्रक्रिया क्या है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसका रिजल्ट क्या है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। दैट्स क्लियर, क्लियर है एवरीवन? इस प्रॉब्लम को जब बेटा पूरे विश्व के देशों के सामने समस्या आई कि भाई अगर पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा, ऐसे ही अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता रहा तो पृथ्वी पे मानव का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ सैकड़ों वर्षों में पृथ्वी से मानव जीवन ही समाप्त हो जाए। इसीलिए विश्व के बहुत से जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने बेटा डेवलपमेंट की परिभाषा क्यों नहीं बनाई कि यह सिस्टम नहीं चलना भी, यह जो सिस्टम चल रहा है कि जिनके पास पैसा है कि भाई कैसे भी आए लूट लो दुनिया को, रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, ठीक है, जो भी मिल रहा है सब कुछ हड़प कर लो, यह सिस्टम नहीं चलने वाला है। तो उन्होंने बेटा एक नया विकास का स्तर तैयार किया, एक नई डेफिनेशन दी कि भाई हम अपना विकास कैसे करें, हम अपना विकास कैसे करें, और उस विकास को उन्होंने नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है बेटा सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले इसको देखते बेटा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, फिर इसको समझते हैं और ये कैसे बेटा एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, इस चीज को अपन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट means development should take palace with out damaging, without damaging the environment and development is the project
should not compromise, should not compromise with the needs, with the needs of the future, generation. समझे बेटा, है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, के विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं। विकास कैसा होना चाहिए बेटा? जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। एंड और देखो बेटा, डेवलपमेंट इज द प्रेजेंट, डेवलपमेंट इज द प्रेजेंट, शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, के विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे भविष्य में आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन है, उसको रिसोर्सेज मिलेंगी, उसे रिसोर्सेज मिलेंगी नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, विकास ऐसा होना चाहिए जिससे बेटा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, पर्यावरण की क्षति नहीं हो। साथ ही विकास कैसा होना चाहिए बेटा? जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों, नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन है, उसकी नीड्स का भी ध्यान रखा जाए। मान लो बेटा, अपन एक सिंपल सी बात करते हैं कि पूरी दुनिया के पास डीजल पेट्रोल लिमिटेड है और भारत उन देशों में जिनके पास बहुत कम है। अगर आप अपनी नीड्स की बात करें तो भारत के पास तो बेटा डीजल पेट्रोल ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। अगर यही पीढ़ी पूरे डीजल और पेट्रोल को खत्म कर देती है, मान लीजिए कि आपके जो जनरेशन है या हमारी जो जनरेशन है, अगर अपन पूरे डीजल पेट्रोल को फिनिश कर देते हैं तो बनने में तो लाखों वर्ष लगेंगे बेटा। आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज, स्कॉर्पियो, बलेरो, क्या काम आएगी फिर ये? बड़े बड़े शोपीस में सजा तो कोई हमारे पास स्कॉर्पियो है चलती नहीं। यही होगा बेटा कि भाई एक अपने पास BMW भी है, ठीक है, एक ट्रैक्टर भी है और बाइक तो दो तीन खड़ी है, लेकिन चलाएं कैसे? ऐसे बेटा नेक्स्ट जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखा जाए, भाई अपने बाद में आगे आने वाली पीढ़ियों को भी चाहिए। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुने। संसाधनों को यूज करने के तीन तरीके, रिसोर्सेस का यूज करने के तीन मेथड होते हैं बेटा, और तीन साइकोलॉजी वाले व्यक्ति अपनी सोसाइटी में पाए जाते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो संसाधनों की केयर नहीं करते, उनकी सोच क्या होती है कि जो है आज में है, बढ़िया खाओ, मस्त रहो, कल किसने देखा है। ऐसे लोग बेटा संसाधनों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। वो बेटा संसाधनों पे अतिरिक्त प्रेशर बनाते हैं। सेकेंड टाइप्स के बोलते हैं कंजूस, महामक्खी चूस, और बिल्कुल लोकल लैंग्वेज
में अगर आपको कहें, बिल्कुल गांव के एकदम देहाती भाषा में अगर आप कहें, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे व्यक्ति बेटा जो जरूरत है संसाधनों की फिर भी खर्च नहीं करते, कि बीमार हो रहा है दवा चाहिए ना, चाय पी लूंगो, काटो पी लूंगो, डॉक्टर को लूंगो, पैसा लग जाएगा, क्या बेटा वो अपना विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तीसरा बेटा जो तरीका होता है संसाधनों का यूज करने का बेटा, वो होता है मित्रतापूर्ण, कि जहां जरूरत है खर्च कीजिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां आप रिसोर्सेज को बचाइए। ये जो मेथड है बेटा मित्रतापूर्ण वाला जो मेथड होता है संसाधनों का, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्यों? इसमें बेटा एक चीज ये होती है कि आपकी जरूरत भी पूरी होती रहेगी और इन फ्यूचर आने वाले जनरेशन के लिए आपको छोड़ भी जाएंगे। क्लियर बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्लियर। संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाए हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और इन फ्यूचर जो जनरेशन आने वाली है उसे भी बेटा रिसोर्सेस मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, राइट ए शॉर्ट नोट और रियो डी जेरियो आर समिट 1992 आर समिट 1992 रियो डी जेनेरो सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जो 1992 में हुआ था। कब हुआ था बेटा ये? 1992 में। कब हुआ था बेटा? 1992 में हुआ था बेटा। इस पे अपने को एक शॉर्ट नोट लिखना है, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, ठीक है? ये सारे जितने भी सम्मेलन होंगे ना पर्यावरण से रिलेटेड सब के पीछे एक ही कारण है, संसाधनों का दबा के यूज करने वाले, उनका दुरुपयोग करने वाले। इन जून 1992 इन जून 1992 मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो और कहा बेटा ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील, ब्राजील के एक शहर का नाम बेटा रियो डी जेनेरियो, ठीक है? वहां पे बेटा ये सम्मेलन हुआ जिसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो हेड थे राष्ट्राध्यक्ष थे, जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री होता है, ऐसे 100 से अधिक देशों के जो हेड्स थे उन्होंने बेटा इस सम्मेलन में भाग लिया। कहां हुआ बेटा ये? रियो डी जेनेरियो शहर का नाम है, सिटी है, कौन से कंट्री में? ब्राजील में। कब हुआ बेटा? जून 1992। फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल समिट Thank you.
द सवेट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इन दिस Summit adopted Agenda 21 Agenda 21 and sustainable development screenshot le lo pehle screenshot le lo fir samjhate hain jab se screenshot le lo ho gaya very good video ko visible rakha kare covid mein aise nahi dekh pa rahe dusre ko कम से कम ऑनलाइन में तो एक दूसरे को देखते करो ऐसा ध्यान देना इससे आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं पहले बता देता हूं ना कहां कहां से बनते हैं फर्स्ट सबमिट फॉर एनवायरमेंट कब हुआ पर्यावरण के लिए का पहला सम्मेलन कब हुआ जून 1992 पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ पृथ्वी सम्मेलन बेटा रियो डी जेनेरियो सिटी है कंट्री ब्राजील ठीक है कहा बेटा रियो डी जेनेरियो सिटी है और कंट्री है ब्राजील फिर आता बेटा क्यों हुआ इसको अगर मैं कहूं एम पर्पज टारगेट एक ही बात है बेटा भाई इस सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे इस सम्मेलन के उद्देश्य बेटा के अर्जेंट जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स का देखना उन्हें शूट आउट करना और उन्हें फिनिश करना नाउ बेटा मिलते हैं कल टॉपिक को करते हैं यही समाप्त इसी समय सेम टाइम पे बेटा हैव ए नाइस डे गुड बाय